शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भावे का नहीं लेकिन प्रैक्टिकल, साधनों को यूज करना है लेकिन साधना को बढ़ाना है। अगर साधन नहीं मिल रहा तो हमारी साधना ना हो, हमारी सेवाएं ना हो, ऐसा नहीं। मुझे मेरा आधार बनना है, किसी का आधार नहीं लेना है, किसी भी सूक्ष्म रस्सियों में नहीं बंधना है, चाहे वो सोने की जंजीर महीन धागा क्यों ना हो। इसलिए बाबा ने मिसाल दिया सीता का, कि सोने हिरण पे आकर्षित हुई तो क्या हुआ, अशोक वाटिका से निकल के शोक वाटिका में चली गई और सबको पता क्या क्या हुआ, राम से भी दूर हो गई। अगर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन कोई भी हमारे बीच में आता है, चाहे स्वउन्नति के और चाहे सेवा की उन्नति के, स्थूल या सूक्ष्म, तो हमारा क्या हाल होगा, सीता को सामने रख लो। राम से भी दूर हो जाएंगे और सुख सुविधाओं से भी दूर हो जाएंगे और भविष्य का पद भी, तो क्या करना है। इसलिए बाबा ने बहुत सारी आज बहुत सूक्ष्म और गुहे से गुहे पॉइंट दी है, तो उसके ऊपर तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, सुनाना है। वो पढ़ा होगा, पढ़िएगा, और बिना पढ़े रात को कभी सोइएगा नहीं। तो नए साल में मुझे क्या करना है सब पक्का हो जाएगा। तो नहीं तो केवल पढ़ लिया, वो पढ़ने तक रहेगा। पढ़ना है, मनन करना है, चिंतन करना है, फिर उसका स्वरूप बनना है। किसी के आधार पे नहीं टिकना है, ऐसे तो कोई बिना आधार के कार्य नहीं होगा, लेकिन इनके सिवाय मेरा नहीं चलेगा। स्पष्ट बाबा ने कहा, ये बड़ा सहयोगी है। आई तो आई कहाँ से, कहाँ से आई, बाबा की देन है। अगर वो सहयोगी बनता है मौके का, तो बाबा ने कराया। कुल मिला के बाबा ने कहा निराधार बनो, एक का आधार बुद्धि में रखो और अपने संकल्पों का जो खजाना है उसका इकोनॉमी करो, इकोनॉमी नहीं लेकिन इकोनॉमी के अवतार बनो।